आज लेक्चर 7 पढ़ने जा रहे हैं, पावर ऑफ आयोटा। आयोटा का पावर देखते हैं। आयोटा का पावर 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 10 रहेगा, 20 रहेगा, 250, 240, कुछ भी रहे तो उसका वैल्यू क्या होता है वो देखेंगे। तो एक दो है उसको याद रखना है। आयोटा का वैल्यू रूट अंडर -1 होता है। आयोटा स्क्वायर बराबर -1। आयोटा का पावर 3 बराबर कितना होगा ये देख लीजिए। आयोटा का पावर 3 बराबर होता है माइनस ऑफ आयोटा। देखते हैं कैसे होता है। आयोटा का पावर 3 है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आयोटा का पावर 3 बराबर, यानी इधर हम बताते हैं, आयोटा का पावर 3 बराबर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, यानी नहीं कुछ पावर है तो 1 है पावर, आयोटा इंटू आयोटा बेस सेम है तो पावर एड हो जाता है, यानी 2 1 3 तो दोनों सेम ही लिखा हुआ है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 तो -1 गुना आयोटा का पावर 1 यानी आयोटे ना, तो क्या होगा, आयोटा में -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस आयोटा, तो इसका वैल्यू माइनस आयोटा होगा। आगे चलिए, आयोटा के पावर 4। लेक्चर का वीडियो का स्क्रीन का लाइट थोड़ा कम गया है, बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। चलिए ठीक है, हाँ चलिए ठीक। आयोटा के पावर 4 इसका वैल्यू क्या होगा, इधर पर देख लेते हैं क्या होगा, लिख लेते हैं। तो आयोटा के पावर 4 इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आयोटा के पावर 2 इंटू आयोटा के पावर 2। आयोटा के पावर 2 यानी आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा -1, इसका भी तो -1 ही होगा, तो माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 1 1 यानी +1, यानी कि +1 या 1 हम लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आयोटा के पावर 5 कितना होगा, आयोटा के पावर 5 तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, आयोटा के पावर 5 बराबर आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा, जितना जितना का मालूम है उतना तक लेके चलते हैं। तो इसका वैल्यू 1 हो गया, अभी अभी लाए थे, इंटू आयोटा, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 इंटू आयोटा बराबर आयोटा, तो यहाँ पर इसका वैल्यू आयोटा हो गया। चलिए दो तीन और देखते हैं। आयोटा का पावर 6 कितना होगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, यहीं पर उधर नहीं लिख करके यहीं लिख देते हैं, आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 2। तो आयोटा का पावर 4 कितना, 1 मल्टीप्लाई आयोटा का पावर 2 कितना, -1, तो हम इसको 1 इंटू -1 करेंगे तो -1 आएगा, तो यानी कि आयोटा का पावर 6 का वैल्यू -1 आएगा। आयोटा के पावर 7 का देखते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 3, पावर 4 और 3 ऐड होके 7 आ ही जाएगा। आयोटा का पावर 4 का वैल्यू 1, अब आयोटा के पावर 3 का वैल्यू कितना, आयोटा पावर 3 यहाँ पे हम लाए थे अभी अभी, तो माइनस आयोटा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू माइनस आयोटा ही होगा। आगे देखते हैं, आयोटा का पावर 8 रहेगा तो कितना, तो इसको हम लिख सकते हैं, आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा के पावर 4, तो कितना हो जाएगा, इसको वैल्यू आयोटा पावर 4 का वैल्यू 1, आयोटा पावर 4 का भी वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 बराबर 1, यानी कि हम देखिए बढ़िया से, यहाँ से 1 2 3 4 वैल्यू था, यहाँ तक ये 5, इसके बाद 5 के बाद देखिए सब क्या हो रहा, रिपीट ही हो रहा वैल्यू, इसका वैल्यू कितना आया था, आयोटा पावर 6 का -1, तो -1 कहीं पर ही था, हाँ आयोटा पावर 3 था। आयोटा पावर 7 का वैल्यू कितना आया था, माइनस आयोटा, इसका वैल्यू कहीं पर आया था, आयोटा पावर माइनस आयोटा, अच्छा इसका सॉरी आयोटा पावर 6 का ना -1 था, आयोटा पावर 2 का -1। आयोटा पावर 7 इसका वैल्यू आयोटा पावर 3 से मैच कर रहा है। आयोटा के पावर 8 इसका वैल्यू 1 है, ये किससे मैच कर रहा है, आयोटा के पावर 4 से, यानी कि 5 के बाद बहुत सारा सब रिपीट हो रहा है, वैल्यू मैच कर रहा है। तो देखिए इसको अगर ऐसा सपोज दे दिया जाए आयोटा पावर 235 तो फिर कैसे बनाएंगे, ये तो काफ़ी टाइम लग जाएगा ऐसे करेंगे तो देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट पेज,
फिर नेगेटिव वाला भी देखेंगे। चलिए उसको हम बोलते हैं, अच्छा पहले माइनस वाला भी देख लीजिए फिर देखेंगे प्लस रहे या माइनस रहे। पावर ऑफ आयोटा में ही देखते हैं, अगर आयोटा के पावर माइनस वन रहे तो कितना वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस का मतलब ये होता है इन्वर्स, यानी वन अपॉन आयोटा ही है। ओके चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये माइनस वन है, इसको इस तरह से लिख दिए, अगर आयोटा के पावर माइनस टू रहे तो इसको हम क्या लिखेंगे, वन अपॉन आयोटा के पावर टू, यही ना ऊपर जाता है तो ऐसे देखें ना बचपन में वन अपॉन टेन है तो इसको हम लिख देते हैं ना टेन के पावर माइनस वन, वन अपॉन टेन के पावर टू है तो ऊपर जाता है तो टेन के पावर माइनस टू हो जाता है, सेम उसी कर रहे हैं आप ही आगे। अच्छा इसको हम और कुछ लिख सकते हैं, इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, देखिए करते हैं चाहे, चलिए रेशनलाइज आगे हम करेंगे, वन अपॉन आयोटा का पावर टू है इसका वैल्यू क्या होता है, माइनस वन पढ़े थे कहाँ पे, यहाँ पे देख लीजिए आयोटा का पावर टू माइनस वन, तो यहाँ पर माइनस वन इसका वैल्यू ले आए तो वन अपॉन माइनस वन डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन ही तो आएगा। आगे आयोटा के पावर माइनस थ्री रहेगा तो क्या करेंगे, वन अपॉन आयोटा के पावर थ्री, चलिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं आयोटा के पावर टू इंटू आयोटा, चलिए आगे बढ़ें, वन अपॉन आयोटा के पावर टू कितना, माइनस वन इंटू आयोटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, वन अपॉन माइनस वन को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस आयोटा, चलिए माइनस में नीचे में नहीं छोड़ते हैं किसी को इसलिए इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, चलिए रेशनलाइज करते हैं देखते हैं कितना वैल्यू आता है, ऊपर हो जाएगा प्लस आयोटा, माइनस में तो प्लस ही मल्टीप्लाई या नीचे ना होगा ऊपर नीचे, चलिए ऊपर हो गया कितना, ऊपर हो गया माइनस अठी वन इंटू आयोटा, ऊपर हो गया आयोटा, नीचे में कितना हो गया माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, आगे बढ़ते हैं, ऊपर आयोटा नीचे माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना, माइनस वन होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ऊपर आयोटा नीचे कितना, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस वन, तो प्लस वन लिखें या नहीं लिखें, लिख देते हैं, यानी आयोटा अपॉन वन बराबर आयोटा, यानी कि आयोटा के पावर माइनस थ्री का वैल्यू आयोटा होता है, सबको याद रखना है, आयोटा के पावर माइनस फोर रहे तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी सेम उसी तरह आयोटा पावर फोर नीचे कर देंगे, वन अपॉन आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा पावर टू, वन अपॉन आयोटा स्क्वायर माइनस वन इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस वन बराबर वन अपॉन माइनस वन इंटू माइनस वन बराबर वन, वन अपॉन वन बराबर वन, माइनस माइनस प्लस होगा ना तो प्लस नहीं लिखें, वन इंटू वन वन, यानी आयोटा का पावर माइनस फोर का वैल्यू वन आएगा इस तरह से। आगे बढ़ते हैं माइनस वाला भी देख लीजिए, सबको इसी बनाना है, आयोटा का पावर फाइव रहेगा तो इसी तरह वन अपॉन माइनस फाइव रहेगा तो वन अपॉन आयोटा का पावर फाइव करेंगे, सेम आपको आयोटा का पावर माइनस फाइव का, आयोटा का पावर माइनस सिक्स का, आयोटा का पावर माइनस सेवन का, आयोटा का पावर माइनस एट का, ये सब का खुद से बना करके व्हाट्सएप करना होगा, कहाँ पे, यहाँ पे नोट कर लीजिए नंबर 7634813725, अच्छे से बनाइएगा और अगर दिक्कत हो तो फिर मैं बताऊंगा, व्हाट्सएप कर देना, अभी बहुत सारा होमवर्क मिलेगा, जितना भी होमवर्क मिलेगा इसी नंबर पे व्हाट्सएप करना, हम चेक करेंगे फिर कब आपको जहाँ पे दिक्कत होगा फिर नेक्स्ट क्लास में बताइएगा, मैं वहाँ पे समझाऊंगा। चलिए निगेटिव वाला भी हो गया, अब रैंडम कोई दे दिया जाए कि आयोटा के पावर वही 240 है या आयोटा के पावर 264 है या आयोटा का पावर 2020 है 2021 है तो कैसे निकालेंगे ये सब का वैल्यू, इतना बड़ा बड़ा रहेगा तो
चलिए देखते हैं, ये सब इतना बड़ा बड़ा रहेगा तो कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट पेज, पिज्जा ख़त्म हो गया। चलिए हम पिज्जा भी, आप एक मिनट रुकिए, हम पिज्जा को इंतजाम करते हैं अभी, बैठ करिए। चलिए आ गया पिज्जा यहाँ से। चलिए अब हेडिंग दीजिए आप भी, हेडिंग में क्या देना है इसी को आगे लेके चलते हैं कि अगर आयोडा का पावर बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नंबर रहे तो फिर उसको हम कैसे करना है। तो उसको लिखिए, हेडिंग दीजिए इसी, इसको हम बोलते हैं इन जनरल फॉर एनी इंटीजर के लिए, यानी कि कोई भी इंटीजर पावर में रहेगा, यानी कि वही इंटीजर यहाँ बता रहा है। देखिए एग्जांपल से समझ में आएगा, आयोटा का पावर अगर 4k रहेगा बराबर, इसका वैल्यू हमेशा 1 ही आएगा। एग्जांपल से अपन देखते चलते हैं, देखते हैं कैसे होगा। अगर हाँ, k का वैल्यू आप कुछ भी पुट करिए, इंटीजर होना चाहिए, अगर माइनस में हो या प्लस में, तो हम कुछ भी लेके चलते हैं। अगर सपोज यहाँ k बराबर 1 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, आयोटा के पावर 4 × 1 यानी 4, इसका वैल्यू आपको पता है, 1 अभी भी बताए थे। चलिए ये तो छोटा नंबर था, अगर हम यहाँ पे आयोटा के पावर k बराबर 1 था, अगर k बराबर हम बड़ा नंबर लेते हैं सपोज 8 ले लेते हैं, k बराबर है 8, तो आयोटा का पावर कितना हो जाएगा, 4 × 8 यानी आयोटा का पावर 8 × 8 × 4 32, तो इसका भी वैल्यू उतना ही होगा, कितना 1, यानी 4 के मल्टीपल में पावर रहेगा तो वैल्यू उसका 1 आ जाएगा। चलिए देखते हैं, 2020 आयोटा का पावर 2020 रहेगा तो इसका वैल्यू 1 आएगा या नहीं, अगर 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है तो 1 वैल्यू ही आएगा। देखते हैं, 4 / 2020 इस लग जाएगा 5 बार में, 20 नहीं लगेगा तो 0 2 उठेगा, फिर 0 फिर कितना बार में, 4 बार में 20 लग गया, यानी पूरा पूरा डिविजिबल है तो इसका भी वैल्यू 1 ही आएगा, यानी जो 4 के मल्टीपल में होगा वो उसका वैल्यू 1 ही आएगा। और देखते हैं एग्जांपल, अगर आयोटा का पावर इतना बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा लेते हैं, 40 रहेगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू भी 1 ही आएगा, क्या 4 के मल्टीपल में आ जाता है, प्रॉपर डिविजिबल है, 4 से 10 टाइम्स करेंगे तो 4 × 10 40 आ जाएगा। आयोटा का पावर 80 का वैल्यू 1 ही होगा, आयोटा का पावर 120 का वैल्यू 1 ही होगा। अगर सपोज इसी में माइनस में दे दिया जाए तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं, इसी का अगर माइनस में रहे वैल्यू, आयोटा के पावर कितना, यही लेते हैं -40, तो कुछ करना नहीं है, बस 1/iota^40 कर देना है, सिंपल 1/iota^40 अभी पता है 1 है तो 1, यानी 1/1 इसका वैल्यू 1 ही आएगा। किसी का भी लीजिए, इसी का लेंगे तो भी वही आएगा, आयोटा पावर -2020 इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 1/iota^40 पहले लिख देते 2020, नीचे में जो भी आ जाता प्लस में हो जाता है ना, तो 1/ इसका वैल्यू आयोटा पावर 2020 का वैल्यू कितना आया था, 1, तो 1/1 या इक्वल टू 1, इसका भी वैल्यू 1 ही आएगा। यानी कि हम इसमें क्या समझें कि अगर 4 के मल्टीपल, यानी कि यहाँ पर इंटीजर है, इंटीजर सब पढ़ाएं, इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, लेक्चर 1, 2, 3 ये सब आप जा कर के देख लीजिए प्लेलिस्ट में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो एक हो गया, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा दूसरा को हम दूसरा पेज में बताते हैं। ये थोड़ा सा 5 मिनट आप रुक जाइए, ताकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप डरना नहीं है। दूसरा पेज में आप उतार लीजिए इसको सही से पहले। इसमें रोक करके उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट पेज। पहला था, दूसरा में अगर ऐसा रहेगा, आयोटा के पावर 4k+1 तो इसका वैल्यू कितना आएगा? हमेशा आयोटा ही आएगा। चलिए देखते हैं कैसे इतना ही आएगा। यानी के की जगह हम कुछ भी पुट करते चलेंगे। सपोज के बराबर अपनी पुट कर देते, फिर वही 1 पुट करते हैं, फिर ज़्यादा बड़ा पुट करेंगे तो आयोटा का पावर कितना हो जाएगा? 4 × के की जगह 1 ना, फिर +1, यानी कि आयोटा का पावर 4 × 1 4, आप +1 करेंगे तो 5, आयोटा के पावर 5। इसका वैल्यू कितना होगा? अभी अभी पढ़े हैं आयोटा के पावर 4, इसको हम कर सकते हैं ना, इतना बराबर हम लिख सकते हैं आयोटा के पावर 4 × आयोटा। आयोटा के पावर 4 का वैल्यू 1 × आयोटा, तो पूरा का वैल्यू क्या आ जाएगा? आयोटा आ गया ना इसका वैल्यू। अगर के बराबर अभी हम बेसी ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। चलिए तो यहाँ पुट करते हैं, के बराबर 5 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? आयोटा के पावर कितना? 4 × 5 + 1 बराबर आयोटा के पावर कितना? 4 × 5 20, 20 + 1 21। चलिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं आयोटा के पावर 20 × आयोटा। जी हाँ लिख सकते हैं। आयोटा के पावर 20 का वैल्यू आपको पता है 1, क्या 4 के मल्टीपल में है, इंटू आयोटा होगा। आयोटा आयोटा इंटू 1 बराबर आयोटा। कितना भी बड़ा नंबर लीजिए, आयोटा के पावर 2020 ले लेते हैं। 2020 पहले आएगा कैसे ये देख लीजिए। अगर हम के बराबर कितना ले लेंगे, बहुत बड़ा लेना पड़ेगा ना। चलिए तो बड़ा कितना से कट जाएगा ये 2000, हाँ 205 ले लेते हैं के बराबर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आयोटा के पावर 4 × 205 + 1 बराबर आयोटा का पावर यही आ जाएगा 4 × 205 2020 + 1 यानी 2021 2021। इसका वैल्यू क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं आयोटा का पावर 2020 × आयोटा बराबर आयोटा का पावर 2020। अभी अभी हम पिछला अभी अभी जस्ट देखे थे ना, कहाँ पे इसमें था देख लीजिए, आयोटा का पावर 2020 वो ढक गया। चलिए अभी 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 तो जस्ट अभी पढ़ा है ना, इसी लेक्चर में तो पढ़ा रहे हैं। आयोटा पावर 2020, इसका 1 होता है वैल्यू आव इंटू आयोटा, तो यानी 1 × आयोटा 1 ही होगा, अच्छी सॉरी आयोटा होगा। यानी जिस इस तरह के कैटेगरी का जितना भी रहेगा सबका आंसर आयोटा ही आएगा। दूसरा हो गया, तीसरा अब रुक जाइए 2-3 मिनट, 2 और है, अब इसको छोड़ना ही नहीं चाहिए, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो होने दीजिए। तीसरा तीसरा कंसेप्ट क्या कह रहा है? आयोटा के पावर 4k+2 रहेगा तो इसका वैल्यू हमेशा -1 आएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे सभी में प्लस वाला ही नहीं लेके चलते हैं, माइनस वाला भी लेके चलते। चलिए एक माइनस वाला भी ले लेते हैं। आयोटा के पावर के बराबर सपोज -10 ले लेते हैं। ओके देखिए क्या हो जाएगा, आयोटा के पावर 4 × 10 4 × -10 ओके फिर +1 होगा, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं तो आयोटा का पावर कितना हो जाएगा? -40 + 1 बराबर कितना? आयोटा का पावर 39। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1/ आयोटा का पावर
39। आगे बढ़ते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आयोटा का पावर 39 है तो हम इसको आयोटा का पावर 4 के मल्टीपल में आ जाएगा 36 इंटू आयोटा का पावर 3। आगे बढ़ते हैं, 1 अपॉन आयोटा का पावर 36 का वैल्यू 1 आएगा क्या कि 4 के मल्टीपल में इंटू आयोटा का पावर 3। 1 अपॉन आयोटा का पावर माइनस आयोटा का पावर 3 का वैल्यू क्या होता है, आपको बताए थे आयोटा का पावर 3 इसका वैल्यू माइनस आयोटा होता है, कहाँ गया आयोटा का पावर 3 का वैल्यू माइनस 1 होता है, यहाँ पर देख लीजिए आयोटा का पावर 3 का माइनस 1। चलिए आयोटा का पावर कहाँ गया, आयोटा के पावर 3 है इसका वैल्यू माइनस आयोटा होता है, यहाँ पर माइनस आयोटा लिखेंगे माइनस आयोटा। आगे बढ़ते हैं, अभी इसी को आगे बढ़ाते हैं, अब इसको रेशनलाइज करेंगे, क्या है कि माइनस में आयोटा को नहीं छोड़ते हैं ना, तो 1 अपॉन माइनस आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 1 नीचे भी, ऊपर आयोटा से मल्टीप्लाई होगा नीचे भी आयोटा, क्या है कि माइनस में आयोटा है तो प्लस में आयोटा से मल्टीप्लाई होगा ऊपर भी या नीचे भी। चलिए बढ़ते हैं आगे, ऊपर में क्या हो जाएगा 1 इंटू आयोटा, तो ऊपर आयोटा अपॉन माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस इसमें तो माइनस बाहर, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, ऊपर आयोटा हो गया नीचे क्या हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऊपर आयोटा नीचे माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 1, यानी आयोटा को डिवाइड कर देंगे 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आयोटा ही रहेगा। देख लीजिए आंसर क्या आ गया, आयोटा ही आया, यानी कि माइनस में भी हम पुट कर सकते हैं और प्लस में भी पुट कर सकते हैं, सबके लिए वैलिड है। बढ़िया से उतार लीजिए, वीडियो लंबी हो रही है, धैर्य रखना है, इसको बीच में छोड़ना नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट जो भी लगे आप, क्या कि जल्दी जल्दी करना नहीं है, समझाना है मैंने, तो आप रुके रहिए बने रहिए, पढ़ना है तो थोड़ा सा लंबा हो गया उससे क्या होगा। चलिए देखते हैं ये वाला केस, थर्ड केस, थर्ड केस में पुट करिए के बराबर, हम के बराबर पहले हल्के ही पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, तो आयोटा का पावर क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 2 बराबर आयोटा का पावर 4 इंटू 1 4 प्लस 2 यानी आयोटा का पावर 6। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 2 ना, आयोटा का पावर 4 का वैल्यू कितना 1 और आयोटा का पावर 2 का वैल्यू माइनस 1, तो बराबर क्या होगा 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। आ गया ना, मैच कर गया माइनस 1, यानी के बराबर कितनों भी पुट करें आंसर सबकी माइनस 1 ही आएगा, तो यानी कि हम बराबरी कुछ लेते हैं, के बराबर अभी पुट करते हैं, सपोज कितना पुट करें आपका इच्छा 15 पुट कर देते हैं 15, तो आयोटा का पावर क्या हो जाएगा 4 इंटू 15 तो 60 हो गया, 60 प्लस 2 62 आयोटा का पावर 62 का वैल्यू क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा का पावर 60 इंटू आयोटा का पावर 2 कितना हो जाएगा, आयोटा का पावर 60 का वैल्यू 1 आएगा, कैसे क्योंकि 4 के मल्टीपल में 15 इंटू 4 करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, 4 के मल्टीपल में है ना, इसलिए आयोटा देख लीजिए जैसे 4 से हम डिवाइड करेंगे 60 को तो 15 टाइम्स में लग जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, तो इसलिए पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो यानी उसका वैल्यू 1 आ जाएगा, 1 ही आता है इंटू आयोटा स्क्वायर। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, 1 इंटू आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 तो माइनस 1 इंटू 1 तो माइनस 1, आ गया माइनस 1 आंसर, यानी सबका यही आएगा। माइनस वाला भी देखते हैं, चलिए वो माइनस वाला भी देख लेते हैं, आयोटा का पावर कितना, पहले के बराबर पुट करते हैं ना, के बराबर माइनस 20 पुट करते हैं, माइनस 20 पुट करते हैं, चलिए तो यानी हो गया कितना, आयोटा के पावर कितना 4 इंटू माइनस 20 प्लस 2 बराबर 4 इंटू 20 माइनस 80 ना है, माइनस 80 प्लस 2। आगे बढ़ते हैं, इसमें से आयोटा का पावर कितना आ जाएगा माइनस 80 प्लस 2 यानी माइनस 78, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा का पावर 78। आगे बढ़ते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 के मल्टीपल ढूंढिए,
तो क्या हो जाएगा, 79 से 57 से 76, हाँ 46, ये 76, ये वाला 4 के मल्टीपल में है, 19 × 4 करेंगे तो 76 आता है ना, इंटू आयोटा पावर 2, इसी को यहाँ पर लिखते हैं, इमलिया का बढ़ाते हैं, अब 1 अपॉन आयोटा पावर 76 का वैल्यू 1 होगा, क्या कि 4 के मल्टीपल में, इंटू आयोटा के कितना, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नीचे 1 ऊपर हो गया, नीचे क्या आएगा, 1 1 × -1 तो -1, यानी 1 अपॉन -1 इसका वैल्यू -1। तो माइनस वाला भी हम देख लेंगे, वैल्यू -1 आ गया ना, यानी माइनस वाला भी देख लेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ गया, मैच कर गया ना इससे, यानी आप पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोग का, कि अगर आयोडा का पावर 2021 रहे या 2030 रहे या कितना भी रहे, सबको हम मिनटों में सोल्व कर देंगे, चाहे वो जितना बड़ा रहे, वो माइनस में भी रहे पावर या प्लस में रहे, कोई फर्क नहीं। चलिए इसको आप बढ़िया से उतारिए, पहले एक बार बढ़िया से उतारिए, हम इस तरह से कर सकते हैं, एक साथ तो पूरा आ नहीं पाएगा ना, जूम कर करके उतार लीजिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और केस है, थोड़ा सा कैमरा को ऊपर होना चाहिए था, क्या कितना में थोड़ा सा पेजा पूरा नहीं आ पाता, हाँ आप सही आ जाएगा, आप पूरा एक ही बार आ जाएगा, सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, वन केस और, एक केस और है, फोर नंबर ऊपर करने दीजिए। चलिए फोर चौथा था ना, अगर आयोडा का पावर 4k+3 रहे तो इसका वैल्यू माइनस आयोटा होगा हमेशा। चलिए देखते हैं एग्जांपल लेके, सपोज के बराबर कितना लेना चाहते हैं, बार बार एक नहीं लेंगे, अभी डायरेक्ट ले लेते हैं 4, आयोटा के पावर 4 × k = 4+3 बराबर आयोडा के पावर 4, अच्छा के की जगह 4 ना, चलिए आयोडा के पावर 4 × 4 16+3 आयोडा के पावर कितना होगा 19। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आयोडा के पावर कितना 16 × i³ का है, हमेशा 4 के मल्टीपल खोजिए, इसके करीब खोजिए, 19 के करीब 16 ही तो है, और इंटू ये वाला 3, क्या कि आई और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऊपर ऐड हो जाता है, दोनों के सेम ही आ जाएगा ना, 16 × 16+3 19। चलिए ये सब बच्चा वाला है तो ये सब बताना भी उतना ज़रूरी नहीं, ऐसे सब के लिए लेके चलते हैं, मेरा मोटो यही है कि बल्कि कितना भी वीक स्टूडेंट हो वो सबको समझ में आ जाए। तो 16 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 × i³ चलिए आगे बढ़िए, यही लिखते हैं 1 × i³ का वैल्यू क्या होता है, हम बताए थे इसी वीडियो में, देखिए फिर से देख लीजिए, यहाँ पर i³ का माइनस आयोटा होता है तो यहाँ पर माइनस आयोटा लिख देंगे, 1 × -i, माइनस आयोटा ही होगा, यही इसका आंसर। तो मैच कर गया, एक और इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, दो देखेंगे, पहले एक बड़ा नहीं एक माइनस वाला ही देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा हो गया, हाफ एन आवर का हो गया। आयोटा का पावर सपोज लेते हैं -10, तो क्या होगा देखते हैं, आयोटा का पावर क्या होगा 4 × -10+3 आगे बढ़ते हैं,
आयोटा का पावर कितना हो जाएगा, -40 +3 बराबर हो जाएगा आयोटा का पावर कितना, 40 में प्लस -40 में +3 ऐड कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा 37 है, 37, 38, 39, 40, सही। आगे बढ़ते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं आयोटा का पावर 1 अपॉन आयोटा का पावर 37, चलिए 1 अपॉन, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं आयोटा का पावर 36 इंटू डाउट कर दें, डाउट लगा दें, आयोटा का पावर आयोटा इंटू आयोटा का पावर 1 ही आयोटा 36 है, 1 37 हाँ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी को 4 के मल्टीपल है तो 1 हो जाएगा इसका आंसर इंटू आयोटा। चले बढ़ते हैं आगे, 1 अपॉन नीचे में क्या आ गया 36 इंटू आयोटा आयोटा 1 इंटू आयोटा आयोटा हो गया। चलिए आंसर अभी तक नहीं मैच किया तो इसको हम रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज करेंगे तो आपको पता है कि प्लस में तो ऊपर नीचे माइनस से होगा, माइनस ऊपर आयोटा नीचे भी माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए तो ऊपर 1 इंटू माइनस आयोटा हो जाएगा, नीचे में क्या होगा 1, अच्छा माइनस है तो माइनस पहले बाहर हो गया तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर एक नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऊपर आ गया माइनस आयोटा और नीचे में क्या होगा माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, यानी ऊपर माइनस आयोटा अपॉन माइनस माइनस +1, यानी ऊपर माइनस आयोटा हो गया और नीचे में 1, तो इसका वैल्यू माइनस आयोटा मैच कर गया, माइनस आयोटा आ गया, माइनस आयोटा के बराबर आ गया ना। तो आप इसको बढ़िया से उतार लीजिए कि आप थोड़ा सा आउट ऊपर करते हैं, क्या कि इतना भी नहीं होता है। अब हो जाएगा एक बार में, अब देख लीजिए एक बार में बढ़िया से हो गया। अब होमवर्क कुछ लिख लीजिए, होमवर्क में क्या वो आपको बना करके वही उसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना होगा, आपको बताए थे कौन सा व्हाट्सएप नंबर है अभी बताए थे ना, दिए थे उसी पे क्वेश्चन लिख लीजिए, आयोटा के पावर -64 रहेगा पहला, दूसरा आयोटा के पावर -235 रहेगा 350 रहेगा, आयोटा के पावर 2050 रहेगा फोर नंबर, आयोटा के पावर 463 रहेगा पाँच नंबर, आयोटा के पावर 87 रहेगा सिक्स नंबर, आयोटा के पावर -90 रहे सेवन नंबर, आयोटा के पावर -1000 रहे सेवन हो गया एट नंबर, आयोटा का पावर माइनस ऐसा रहे फोर के बेयर, इसमें दे दे बेयर के बराबर 60 दे दिया, तो कैसे करेंगे सीधा के की जगह 60 पुट करेंगे जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके बना देंगे, तो आंसर इसी तरह के एक दुआ ले लीजिए आयोटा का पावर 3k बेयर के बराबर -40 रहेगा 10 नंबर, आयोटा का पावर -8k रहे बेयर के बराबर -20 रहे, ये भी -20 रहे, तो कैसे बनाएंगे सबका वैल्यू आप बना करके पेज पे, अगर आपको पीडीएफ बनाना आता है तो पीडीएफ बना करके भेजिएगा, और नहीं आता पीडीएफ बनाने तो आप ऐसी फ़ोटो क्लिक करके भेजिएगा, जहाँ दिक्कत होगा हम बताएंगे। व्हाट्सएप नंबर फिर से लिख लीजिए
हमने दिया था अभी, इस पे ही भेजना है। सेवन सिक्स थ्री फोर एट वन, एट है एट वन थ्री सेवन टू फाइव। कॉल नहीं करना है, ओनली व्हाट्सएप पे जो भी है बना करके भेज देना है। चलिए आज के लिए यही, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, 35-36 मिनट, हाफ एन आवर्स भी वैसे हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को पढ़ना है, सीखना है और अच्छे से पढ़ना है और वीडियो को पूरा देखना है, जितना भी अपलोड होगा ए टू जेड पूरा, इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ ए टू जेड पढ़ा जाएगा, एक भी मिस नहीं होगा और डेली चल देगा क्लास। चलिए बाकी उतार लीजिए बढ़िया से, स्टॉप करते हैं आज के लिए, इतना ही, बाय बाय।